दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ क्या सबसे बड़ा बदलाव हुआ है बीपीएससी एग्ज़ाम को लेके। अभी 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 नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, देख सकते हैं बीपीएससी 69 प्री ऑनलाइन फॉर्म आया है दोस्तों। इस पर क्लिक करेंगे सीधा, और क्लिक करने के बाद दोस्तों जो साइट खुलती है आप देख सकते हैं, बिहार बीपीएससी 69 प्री एग्जामिनेशन 2023 अप्लाई ऑनलाइन 346 पोस्ट आया है दोस्तों। तो ये कितना बड़ा चेंजमेंट इसमें हुआ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बिहार सरकार बहुत ख़राब की बच्चों के साथ दोस्तों, जो है कि इतनी बड़ी चेंजमेंट ला के, अभी फ़िलहाल आपने सुना ही होगा न्यूज़ में कि जो है कि कितना बड़ा चेंजमेंट आया है दोस्तों। अदर स्टेट के भी बीपीएससी टीचर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें अभी कितनी बड़ी चेंजमेंट आने वाली है दोस्तों, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। नीचे जाएंगे और नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे, इस पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे दोस्तों। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों ये कितनी बड़ी चेंजमेंट की गई है दोस्तों। इसमें 69वीं मतलब 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दोस्तों, ये जो इसका नोटिफिकेशन है दोस्तों ये है। टोटल पोस्ट देखिए दोस्तों, कितना बड़ा नाइंसाफी किया गया है एसटी कैटेगरी के साथ दोस्तों। देखिए 0.404 जो 4 पोस्ट दिया गया केवल एसटी कैटेगरी का दोस्तों, कितनी बड़ी नाइंसाफी की गई है दोस्तों। इन लोगों ने कितनी बड़ी नाइंसाफी की है और शेड्यूल ट्रैप्स के प्रति दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे 4 पोस्ट दिया गया है। और यूं ही नहीं दोस्तों, इसके अंदर नोटिफिकेशन में 3 डिग्री मांगी है इन्होंने। आपके मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या डिग्री मांगा है इन्होंने। 3 डिग्री मांगा है इन्होंने आपको, 3 डिग्री में दिखा दे आपको। क्या कहते हैं दिव्यांगता, देखिए इस नोट नंबर पढ़े इसको, नोट दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है कि 6 दृष्टि दिव्यांग डीडी, मुनक बधिक दिव्यांग, ओएच चलन दिव्यांग एमडी, मनोविका दिव्यांग बहुदिव्यांगता। देख सकते हैं ये जो है कि ये ऐड कर दिया गया दिव्यांग प्रार्थियों के लिए, जो डिसेबिलिटी है उन लोगों के लिए ऐड कर दिया गया ये दोस्तों। और आपको जो है कि शिक्षण की प्रारंभिक जो एक परीक्षा जो होगी उसमें भी चेंजमेंट आई है दोस्तों। देख सकते हैं इसमें कौन सी पोस्ट इन्होंने दिया है, गृह किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय में गृह विज्ञान एवं मनोविज्ञान समाजशास्त्र, चौथा श्रम सामाजिक कल्याण, इनमें से कोई विषय का चयन करना होगा दोस्तों। देख सकते हैं ये डिग्री होनी चाहिए तब जाके बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पोस्ट आप भर सकते हैं। कितनी बड़ी प्रॉब्लम इन्होंने खड़ी कर दी है। और देख सकते हैं ये पुलिस उप अधीक्षक का पोस्ट जो है दोस्तों, इसमें जो है कि इन्होंने कितनी बड़ी नाइंसाफी की है बच्चों के साथ। इंजीनियरिंग मांगा है दोस्तों, इसमें इंजीनियरिंग बच्चे कहाँ से लाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे साफ इंजीनियरिंग लिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मांग रहा है, सब कहाँ से बच्चे लाएंगे दोस्तों बताइए। देखिए कितनी बड़ी चेंजमेंट आई है, और 50% मार्क्स भी होना चाहिए दोस्तों, उत्तीर्णता होनी चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे बच्चे के पास नहीं है। तो देख सकते यही प्रॉब्लम है यहाँ पर फिलहाल जो है कि बिहार की जॉब में, बिहार का सरकार जो है दोस्तों ख़राब हो चुका है फिलहाल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी अच्छी सारी पोस्ट थी इन्हें ख़राब कर दिया आरक्षण के नाम पे दोस्तों। धब्बा है देखिए आरक्षण के नाम पे क्या क्या लिखा है इन्होंने। आरक्षण तथा लाभ सर राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर और देय होगा। राज्य के बाहर अभ्यर्थी को मात्र महिला एवं दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का लाभ सामान्य कोटि के अंतर्गत ही देय होगा, इन्हें कोई अन्य आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी नाइंसाफी की है दोस्तों महिला के साथ भी। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ऑनलाइन में अप्लाई कर दीजिएगा आरक्षण, वरना ये लोग साले बहुत बड़े हरामी हैं दोस्तों, ये आरक्षण नहीं देंगे आप लोग को, बहुत दिक्कत होने वाली है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया आरक्षण कोटी में, देखिए क्या लिखा, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट एससी के लिए 02, देखिए 2% है, देखिए 2% छूट ही है। अनुसूचित जनजाति के लिए 3% छूट है, देख सकते हैं इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए। देख लीजिए कितनी ख़राब सिस्टम कर दिया इन्होंने सामान्य विभाग बिहार। यूं ही नहीं, अभी आगे जो है कि लास्ट वाले पेज में जो है दोस्तों इतना खतरनाक तरीके से इन्होंने बर्बाद किया बच्चों को दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी, रुक जाइए। देख सकते हैं इसमें सर्जन का मतलब, सर्जन कहाँ से लाएगा दोस्तों, सर्जन की डिग्री कहाँ से लाएगी, देखिए सर्जन की डिग्री मांगा है इसमें, बताइए क्या क्या है दोस्तों। ये पीडब्ल्यूडी पता ना क्या क्या, 40% से अधिक के को नहीं मिलेगा दोस्तों, ये 40% अधिक हर एग्ज़ाम में होता है। और यह देखिए क्या लिखा है यहाँ पर लिख रहा उम्र सीमा, देखिए उम्र सीमा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उम्र सीमा देखिए दिनांक 1/8/2023 को न्यूनतम उम्र सोमवार, देखिए सोमवार क्या समझा रहे सब चूतिए सारे, नहीं डायरेक्ट बता रहे कि 40 साल से ज़्यादा होना चाहिए, 40 साल से कम होना चाहिए, इस तरीके से चूतिया बनाया जा रहा है दोस्तों नोटिफिकेशन में, देख सकते हैं। ये मैट्रिकुलेशन देखिए आयोग मैट्रिकुलेशन समतुल्य प्रमाण पत्र उम्मीदवार जन्मतिथि मान होगी, देखिए 10th क्लास में अगर आपका मैट्रिक
टेंथ क्लास में अगर जो है कि सर्टिफिकेट में अगर मार्क्स इधर उधर गड़बड़ हुआ है तो उसको सही करवा लीजिए और उसमें डेट ऑफ बर्थ बदलवा लीजिए, वरना जो है कि उसी से ये लोग जो है कि समतुल्य प्रमाण पत्र को अंकित उम्मीदवार जन्मतिथि की मान्य की जाएगी। टेंथ क्लास के सर्टिफिकेट से ये लोग मानक रखेंगे डेट ऑफ बर्थ का आपका जो है दोस्तों। तो यहाँ देखिए साफ लिख रहा है क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प में ये दुनिया भर का डेट दिया है इन्होंने, उस पर बजट जो है पास की गई है इन लोगों के लिए। छोड़िए जो भी है, अब आगे बताता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए तो इतने सारे नोटिफिकेशन दे दिए हैं जो आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है आगे। शारीरिक क्षमता, देखिए शारीरिक क्षमता का मतलब क्या है दोस्तों, वहाँ पे क्षमता जो है कि वहाँ पे देखेगा बताइए दोस्त, इस ऑफिसर के नौकरी में क्षमता देखा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, कितना इंच है आपका, सॉरी देखिए यहाँ पे देखिए इंच भी लिखा है, देखिए 5 इंच मांग रहा है, देखिए ना आपका 5 इंच हो तो काम चलेगा, काम बनेगा वरना नहीं काम बनेगा दोस्तों, साफ साफ लिख रहा है 5 इंच यहाँ पे देख सकते हैं। क्या बात है यार, ये बिहार की नौकरी है दोस्तों की इन लोग जो है कि क्या बना कर रखे हैं दोस्तों। देखिए क्या लिख रहा है साहब, बिहार पुलिस सेवा जिला समुदष्ट जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम जो है कि ऊंचाई जो है कि 5 फुट 5 इंच दोस्तों, देखिए देख सकते हैं न्यूनतम 5 फुट 5 इंच का होना, सॉरी इंच नहीं 5 फीट दिया था भूल गए, 5 फीट 5 इंच जो है दोस्तों न्यूनतम होनी चाहिए, न्यूनतम छाती जो है छाती भी बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए, और जो है कि दोस्तों ये बाकी के लिए और शारीरिक क्षमता लड़कियों के लिए शारीरिक क्षमता दिया गया उस वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत भद्दा लिखा है यहाँ पे। शुल्क देखिए शुल्क क्या रखा है, शुल्क यहाँ पे पहले शुल्क तो वसूलेंगे पहले इन साले, फर्स्ट मार्च शुल्क ले लेते हैं सब। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया है दोस्तों, देख सकते हैं 600 रुपये कमाएंगे साले सब आप लोग से, और जो है अनुसूचित जाति के लिए 150 रुपये है देखिए, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 150 रुपये है देखिए, और जो है कि और आपको अदर स्टेट से भरते हैं तो आपको 600 रुपये लगेगा ही लगेगा, ऐसा कोई नहीं है देख सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिनके ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। अरे बाप रे बाप, देख सकते हैं दोस्तों आधार संख्या डालेंगे तो 200 रुपये अधिक भरना पड़ेगा आपको, ये क्या खतरनाक नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये मतलब जो है कि सरासर लूटने वाला काम है दोस्तों। यहाँ पे देखिए बिहार सरकार सरासर लूट रही है, चुतिया बना रही है सबको दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी खतरनाक तरीके से इन लोग जो है कि लूटने के लिए जो है कि अपना एजेंडा चलाए हैं। ये सब तो विषय कोड है, हम आपको इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, आप वहाँ से देख लीजिएगा ठीक है ओके। बाकी सब जो है कि यही है देख सकते हैं ये, चलिए कोई नहीं, बाकी इन लोगों का और खुलासा करने वाले नोटिफिकेशन के अनुसार। तो जो है कि दोस्तों आप जो है कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के महाकाल के दोस्तों जो है कि इसकी खुलासा करेंगे दोस्तों, ये बिहार के जो है गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से हम जो है कि लेने की काम करेंगे दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।